चल रहा है ना रनिंग में। अस्सलामुअलैकुम, बंडलागुड़ा अलीनगर में जो 8 अफराद पानी में बह गए थे उसमें से 2 जनों को पहले ही ढूंढ लिया गया था। अभी एक गाजी मिल्लत कॉलोनी में एक बच्ची मिली है। आप बोलिए कितने लोग मिल गए हैं अभी, कितने लोग मिलना बाकी है अभी आपको? ये टोटल 8 मिसिंग थे, उसमें से 3 डेड बॉडी कल मिले थे, 2 पहले मिले, 1 बाद में रात में मिली थी। अभी ये बच्ची की एक डेड बॉडी मिली है, 4 मिले हैं और मिसिंग है, 4 मिसिंग है अभी। तो अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि उनकी हालत क्या है, कैसे है नहीं मालूम, और पुलिस डिपार्टमेंट रेस्क्यू टीम्स से हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द उन लापता अफराद की तलाश करें और जो है हम तक पहुँचाएँ। आप रात से यहाँ पर वो दो जनों का पोस्टमार्टम करके आपको दे दे रहे थे डेड बॉडी? नहीं, वो पेप नहीं दे रहे थे आपको, पूरा आए करे तक थोड़ा देर हो गई। अब वो आप आज सुबह ही मिलता बोल के, अब ये सुबह से इतना टाइम हो गया अभी तक, अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिल जाएंगे। पुलिस वाले आए आपके पास? हाँ आ गए, सुबह ही आए वो लोग, मालेरदपल्ली से 2 कॉन्स्टेबल्स जो है उन लोग आए पेप लिखने वाले, आके लिखने कार्रवाई चल रही है अभी। 3 बॉडियाँ आ गए? 3 बॉडी, 4 आ गए, बच्ची की आ गई 4। अभी कितने आना है? अभी 4 आने का है, हमारे चाचा है, भाई है, 2 भाइयाँ हैं और एक उन भाई का बच्चा। अभी यहाँ पर जो 8 अफराद थे वो 8 अफराद में से 4 अफरादों की डेड बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल मुर्दा खाने में मौजूद है और 4 जनों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। ये जो आपको बता दें कि ये जो बॉडी मिली है बच्ची की, मासूम आमिना की जो बॉडी मिली है, गाजी मिल्लत कॉलोनी, एक कार के नीचे बच्ची की बॉडी थी, तो वो बॉडी को अभी जो है पोस्टमार्टम के लिए अंदर लेकर जाया जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि इनके अफराद ख़ानदान के लिए दुआ कीजिए और वो 4 अफराद के लिए दुआ कीजिए जो अभी भी मिसिंग है और उनको तलाशा जा रहा है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो सही सलामत रहे। PATN न्यूज़, सद्दाम रिपोर्टर, हैदराबाद।